हे गाइस, तो मेरे चैनल का स्वागत है ना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी क्रिएटर का, किसी भी फिल्म लुक का जो कलर ग्रेडिंग होता है, जो कलर टोन होता है, उसको इंस्टेंटली कॉपी कर सकते हो या चुरा सकते हो। अभी इट्स टेक्निकली चुरा नहीं हुआ, लाइक या चुरा सकते हो, वैसे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करेंगे, कॉपी कर सकते हो। बिकॉज कई बार हमें दूसरे क्रिएटर्स का जो स्टाइल होता है या फिर जो किसी भी फिल्म का जो स्टाइल होता है, कलर ग्रेडिंग का स्टाइल होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम चाहते हैं जो हमारी पिक्चर है वो बिल्कुल उसी स्टाइल में रहे, उसी लुक में रहे। तो ऐसा सोचना जो है बहुत ही कॉमन है, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर लेता हूँ, बट अब नहीं, अब आप बहुत ईजिली ऐसा काम कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ये काम आप ऐसे कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डू द इंट्रो। सो ये कलर ग्रेडिंग कॉपी करना या कलर लुक्स को कॉपी करना, ये कोई नया चीज़ नहीं है। बहुत से लोग इसको बहुत टाइम से करते हुए आए हैं, बहुत मेथड से करते हुए आए हैं, पर वो जो मेथड्स थे, जो टेक्निक्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। एंड अगर आप कोई थोड़े नए हो फोटोग्राफी में, या फिर अगर आप एडिटिंग में थोड़े नए हो, बिगनर हो, तो उस कंडीशन में आपको ये जो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता था। बट इस टेक्निक से जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इस टेक्निक की हेल्प से अगर आप बिगनर हो तो भी ये काम आप बहुत ईजी कर सकते हो। सो किसी भी क्रिएटर या फिर फिल्म के लुक को कॉपी करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपने फ़ोन में, जहाँ पे हम उसके लुक को कॉपी करेंगे, एंड दूसरा यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में या फिर अपने जो भी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप है वहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम उस लुक को कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे। सो बहुत सिंपल है। सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे एंड उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लुक को कॉपी करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, उसका नाम है अडोबी का कैप्चर ऐप। अब ये जो ऐप है इतना अमेजिंग, इतना कूल ऐप है, इस पर इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर मैं उस पर एक एक करके वीडियो बनाना बताना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो में वहाँ पर आपको इसके जो भी डिटेल फीचर है उनके बारे में बता दूँ, बट यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इस ऐप की हेल्प से आपको लुक को कॉपी कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल मैं बात करूँ तो जो मेरा काम का फीचर है वो है यहाँ पे लुक्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ जैसे ही लुक्स पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि जो भी मेरा बैकग्राउंड है वहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलर्स के जो आपको ट्रांजिशन दिख रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन क्या बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी कलर अवेलेबल हैं उन सारे कलर्स को ये स्मूथ वे में आपको बता रहा है कितने कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड यही काम हमें करना है, यहाँ से कॉपी करना है। नाउ इसको कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे कह दूंगा कि अगर आपको कोई सपोज करो आपको किसी क्रिएटर का लुक कॉपी करना है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक क्रिएटर का एक जो है लुक वो कॉपी करने वाला हूँ, उसका नाम है मैक्स। बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफर है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे उनके जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ देख सकते हो, एंड उनको मैसेज कर सकते हो, हाय लिख देना एंड कह देना कि नितिन की तरफ से हाय है। एंड आप क्या कर सकते हो, उनकी जो पिक्चर है उसके किसी लुक को मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसके लुक को मैं यहाँ पे रिक्रिएट करूँगा। तो मैं उनका एक पेज ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये वो क्रिएटर है जिसका बहुत सारे अमेजिंग पिक्चर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो इसका एक लुक है, जैसे ये वाला जो लुक है, ये मुझे यहाँ पे बहुत सूटेबल लग रहा है अपने पिक्चर में यूज़ करने के लिए, बिकॉज इन्होंने इंडिया में ये पिक्चर क्लिक की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लुक है वो बिल्कुल मेरे पिक्चर में भी सेम अप्लाई हो जाए, तो मैं इसी लुक को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करूँगा। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी लुक मैं यहाँ पे कॉपी करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ये कॉपी होने के साथ अगर इसको आप पेस्ट करोगे अपने पिक्चर्स पे, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर रखना है कि जो भी आप यह लुक कॉपी कर रहे हो, आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल उसी के लगभग सिमिलर होनी चाहिए। बस जो एम्बियंस है, जो एटमोसफियर है, वो उसके सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे पिक्चर क्लिक की गई है। अगर इस लुक को मैं किसी क्लाउडी पिक्चर में अप्लाई करता हूँ या फिर मैं इसको नाइट के पिक्चर में अप्लाई करता हूँ, तो ये जो लुक है वो कम्प्लीटली वहाँ कॉपी नहीं होगा, वो बहुत ही अलग लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो एम्बियंस है, जो आपका एटमोसफियर है, लगभग वो इसी तरह से होना चाहिए, तभी जो लुक है वो उस पर बिल्कुल ईजिली एक तरह से कह सकते हो आप पेस्ट होगा या फिर जो होता है अप्लाई होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी आपका जो क्रिएटर है उसके लुक को आपको कॉपी करना है, यानी उसको आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब क्या करूँगा, मैं इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट को ओपन करूँगा इस ऐप में, एंड वहाँ पे मैं इसके लुक को कॉपी करूँगा। तो आपको क्या करना है, वापस से जो भी आपका ऐप है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो मैं भी इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सो आप जो ऐप है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से साइड वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, एंड यहाँ से आपको कैमरा रोल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप क्या करोगे, जो भी आपने स्क्रीनशॉट सेव किया था उसको आप टैप करके ओपन कर लोगे। अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, आप देखोगे ये जो इसका सॉफ्टवेयर है वो उसके सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, मीन जो भी उसके कलर्स के ट्रांजिशन को बना लेगा, एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देगा उसको कॉपी करने का। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा,
एंड जैसे इसको आप कॉपी करोगे या तो ये आपको बताएगा कि इसको आप पेस्ट करके अपनी पिक्चर में आप जैसा लुक चाहते हो आप उसका पा सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सीधा सीधा यहाँ पे आगे टिक करूँगा एंड इसके जो लुक है उसको यहाँ से कॉपी करके सेव कर लूँगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पे जो भी आपका लट है आपको वहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट एज कर सकते हो लुक्स में। एंड जैसे ही आप इसको लुक पे क्लिक करोगे ये एक्सपोर्ट कर देगा आपकी पिक्चर को क्यूब के फॉर्म में। एंड इस क्यूब के फॉर्म को यानी डॉट क्यूब के फॉर्म को हम ट्रांसफर करेंगे अपने पीसी पे एंड वहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसको परफॉर्म करेंगे। नाउ जो हमारा डॉट क्यूब की फाइल थी यानी जो हमारा लुक्स था उसको हमने ट्रांसफर कर लिया अपने पीसी पे। आप देख सकते हो कि पीसी में आपको ये फाइल दिख रहा है, ये आपको डॉट क्यूब के फाइल में ही दिखेगा बिकॉज जो भी इतने भी लुक्स होते हैं जिनको भी हम यूज़ करते हैं एज ए आप तो प्रीसेट वगैरह वो डॉट क्यूब के ही फॉर्मेट में होते हैं। एंड इसको आप अपने फोटोशॉप पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रीमियर प्रो पे। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फोटोशॉप पिक्चर को एडिट करने के लिए जहाँ पे इस क्यूब फाइल को हम पेस्ट करेंगे तरह से आप कह सकते हो इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ करना होगा एक पिक्चर को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में एक पिक्चर यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ तो आप देख सकते हो कि जो पिक्चर का लुक है वो लगभग बिल्कुल उसी टाइप का है। मीन्स यहाँ पे मैंने टेम्पल का जो पिक्चर है उसको यूज़ किया है एंड ये भी डे लाइट में क्लिक किया गया है तो मोर और लेस जो है ये पिक्चर बिल्कुल सेम ही है उस तरह से। तो ही जो ये लुक मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ बहुत ईजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन स्टेप करने होंगे एंड ये काम आप बहुत ईजिली कर लोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको यहाँ से काम करना है वो करना है यहाँ से आपको आना है कलर लुकअप टेबल में एंड यहाँ से आप इसको क्लिक करो। एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो भी आपका लुक है आप जहाँ पे उसको रखे हुए हो आप उसको लोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ करूँगा लोड 3D लट एंड यहाँ से मैं आऊँगा अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैं इसको सेव कर रखा है। तो आप देख सकते हो आपको ये आपका डॉट क्यूब वाला फाइल आपको दिखेगा एंड आपको क्या करना है, इसके यहाँ क्लिक करना है, इसको लोड कर देना है। एंड जैसे ही आप इसको लोड करोगे आप देखोगे लोड करने के बाद आपको जो यहाँ पे लुक है आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हैवी है तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी ओपेसिटी है थोड़ी सी यहाँ पे इसको कम कर दूंगा एंड आप देखोगे कि ये कितना सिमिलर हो गया है जो हमारा मैंने आपको दिखाया था मैक्स का जो स्टाइल था जो लुक था बिल्कुल उसी तरह से हो गया है यहाँ पे। एंड ये आप कह सकते हो आपको एक बहुत अच्छा कोई बेसलाइन दे रहा है यहाँ यानी इसके बाद इसमें आप थोड़ी और एडिटिंग करके इस फीचर को और अच्छा कर सकते हो। नाउ अब इसको अप्लाई करने का यहाँ पे एक और भी टेक्निक है, मीन्स आप चाहते हो कि अगर आपकी जो पिक्चर्स हैं जो आपकी डिफरेंट पिक्चर्स हैं आप उसमें भी बार बार चाहते हो इसको अप्लाई करना हो तो आप बार बार आपको यहाँ पे इसको जाके इसको लोड करना पड़ेगा जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। तो क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं। आप इस क्या कर सकते हो, जो भी ये आपका लुक है जो आपने अभी यहाँ पे इसको कॉपी किया है आप इसको एज ए प्रीसेट ही बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है इतने सारे प्रीसेट्स आप इनको बना के रख सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से इसको पहले मिनिमाइज़ करना होगा, यहाँ से आपको आना होगा आपके जो भी आपका कंप्यूटर है एंड यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ से आप आते हैं अपने सी ड्राइव पे एंड यहाँ से आपको आना होगा प्रोग्राम फाइल पे, यहाँ से आपको आना होगा आपका जो भी अडोबी है एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा अपना फोटोशॉप को एंड फोटोशॉप के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा आपका प्रीसेट्स एंड प्रीसेट्स के बाद जो आपका 3D लट्स है। अब इस 3D लट्स में आप अपना जो भी आपका लट मैंने जो आपको यहाँ पे अभी बताया था ट्रांसफर किया था उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड उसको सेव कर दो एंड जो भी आपका फोटोशॉप है उसको वापस आपको क्लोज करना है एंड दोबारा उसको रन करना है। एंड जैसे आप उसको रन करोगे आप देखोगे कि यहाँ जो कलर लुकअप टेबल है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे मैंने यहाँ सेव वगैरह रखा हुआ है मैक्स का एंड ये आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाएगा। तो आपको जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रीसेट आपको अप्लाई करना होगा तो आपको सिंपली यहाँ बस आपको क्लिक करना है जो आपका प्रीसेट है वो एक क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। सो आपने देखा ना कितने ईजिली आप इस टेक्निक की हेल्प से किसी भी क्रिएटर के या किसी भी फिल्म के लुक को कॉपी कर सकते हो, फिर चाहे वो मैट्रिक्स का लुक हो चाहे वो ब्लेड रनर का लुक हो कोई भी लुक हो। आप अगर चाहते हो कि आपकी पिक्चर में वो सेम लुक जो है वो इफेक्ट आए वो कलर ग्रेडिंग का स्टाइल आए तो आप ये काम बहुत ईजिली कर सकते हो। सो आई होप आपको ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड इस टेक्निक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो टेंशन की बात नहीं है, आप मुझे इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है जो भी आपके डाउट है कन्फ्यूजन है उसको फटाफट से दूर करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बस नहीं आए वीडियो को लाइक करना बनता है बहुत ज्यादा बनता है। सो इस ऐप को आप एंड्रॉयड एप्पल iOS पे कर सकते हो बट हम तो गरीब लोग हैं ना हमारे पास तो एंड्रॉयड है एप्पल का है होगा कभी पक्का होगा।